बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी, गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 9 पेशे की पढ़ाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके हासलाते तौलम देखेंगे और उसके बाद चलेंगे अपने सबक की तरफ। हासलाते तौलम, इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अबारत सुनकर अहम नकात और इसके अज्जा से मुतालिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सकें। अबारत को पढ़कर सवालों के जवाब दे सकें। खास अल्फाज, इरशाद गरामी, एहतमाम, बुरुवे कार लाना, बराह रास्त, बिलो वास्ता, वाबस्ता होना, मुआवजा, मुंसलिक। प्यारे बच्चों, ये खास अल्फाज इस सबक में इस्तेमाल किए गए हैं। आप इनको 2 से 3 मरतबा पढ़ें ताकि आपको सबक पढ़ने में आसानी हो सके। आदमी अपनी हलाल रोज़ी कमाने के लिए मेहनत का जो भी तरीका अख्तियार करता है वो इसका पेशा कहलाता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलल्लाह ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही वसहाबिही वसल्लम का इरशादे गरामी है, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें तरह तरह के काम करते लोग नज़र आएंगे। कुछ लोग जिस्मानी मेहनत करते हैं जैसे मज़दूर, किसान, और कुछ जिस्मानी से ज़्यादा जहनी मेहनत करते हैं जैसे दफ्तरों या अदालतों में काम करने वाले लोग। हमारे मुल्क के चंद अहम पेशे ये हैं। ज़रात, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। यहाँ के ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर वाबस्ता हैं। कुछ लोग खेतीबाड़ी करते हैं, फसलें, सब्जियाँ और फल उगाते हैं और इन्हें बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। कुछ लोग खुद तो फसलें नहीं उगाते मगर किसानों की मदद करते हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाने वाले दूसरों की ज़मीन पर हल चलाते हैं और मुआवजा लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। इसी तरह कुछ ज़री आलात, अद्वियात और बीज वगैरह तैयार करके किसान को देते हैं। इनसे भी इन्हें आमदनी हासिल होती है और वो अपने अखराजात पूरे करते हैं। गोया बेशुमार लोग किसी न किसी तरह खेतीबाड़ी करके या खेतीबाड़ी में मदद करके या ज़री अजनास मंडियों तक पहुंचाकर अपने लिए रोज़गार हासिल करते हैं। सनत व हराफत, हमारी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें कारखानों और फैक्ट्रियों में बनती हैं। मसलन हमारा कपड़ा, गाड़ियाँ, सीमेंट, सरिया, खिलौने, कागज़, चीनी, टीवी, मोबाइल वगैरह कारखानों में ही बनाए जाते हैं। कारखानों में काम करने वाले लोग मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी का डिज़ाइन या मॉडल तैयार करता है, कोई इनके मुख्तलिफ हिस्से या पुर्जे बनाता है, कोई इन हिस्सों या पुर्जों को जोड़कर पूरी चीज़ तैयार करता है, फिर कोई इस चीज़ को रंगोरोगन करता है, कोई इन्हें मार्केट में लाकर बेचता है। ये सब काम कारखानों से मुंसलिक हैं। यूँ बहुत से लोग अपना अपना काम करके अपने लिए रोज़गार कमाते हैं। गल्लाबानी, जानवर पालना एक कदीम पेशा है। जानवर इंसान का बहुत पुराना दोस्त है। हम इनसे मुख्तलिफ काम लेते हैं, बारबरदारी, सवारी और हल चलाने के अलावा हम जानवरों से दूध, गोश्त, अंडे और चमड़ा हासिल करते हैं। जानवरों को पालना, इनकी खुराक और रिहाइश का इंतज़ाम करना, इनको बीमारियों और मौसमों की शिद्दत से बचाना, ऐसे काम हैं जिनसे इंसान का रोज़गार वाबस्ता है। दूध और दूध से मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर बेची जाती हैं। ये लोग माशरे की बहुत खिदमत करते हैं और अपने लिए रोज़गार कमाते हैं। तजारत, आज के ज़माने में तजारत बहुत बड़ा पेशा है। ज़री अजनास जैसे गंदम, चावल, मकई, मूंगफली, गन्ना और हर मौसम की तरह तरह की सब्जियां और फल
देहात में किसानों से खरीदकर शहरों में मंडियों तक पहुंचाना और शहर की बनी चीज़ें छोटे बड़े शहर कस्बे और गांव तक पहुंचाना तजारत के ज़ुमरे में आता है। ख़रीदो फरोख्त के अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए छोटी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल, ये सब काम लोगों को रोज़गार मुहैया करते हैं। मुलाजमत दुनिया भर की तरह हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा शोबा है जिससे लाखों लोग वाबस्ता हैं। दफ्तरों में काम करने वाले, अदालतों में काम करने वाले, पुलिस और फौज में भर्ती होकर मुल्क और कौम की खिदमत करने वाले सब लोग अपनी अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपने लिए रोज़गार कमाते हैं। कुछ लोग सरकारी शोबे में मुलाजमत करते हैं और कुछ प्राइवेट शोबे में, मगर ये सब मुलाजमत पेशा लोग ही होते हैं। मजदूरी, कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग भी अपनी रोज़ी कमाने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। हमारे इर्द गिर्द सड़कें, मकानात, पुल की तामीर और बहुत से दीगर काम हो रहे होते हैं। इनमें से बहुत से लोग अपने हाथ या छोटी मोटी मशीनों और औजारों की मदद से काम कर रहे होते हैं। ये सब मजदूर पेशा लोग होते हैं। ये किसी ख़ास काम में महारत रखते हैं और इसके बदले मुआवजा लेकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ये सब मेहनतकश लोग माशरे की बहुत खिदमत करते हैं। ये रोज़ाना उजरत की बुनियाद पर काम करते हैं। मुअल्लम एक बहुत काबिले एहतराम पेशा है। उस्ताद हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। वो हमारी ज़हनी रूहानी तरबियत करता है। वो हमारी ज़हनी और रूहानी तरबियत करते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और मदरसों में पढ़ाने वाले उस्तादा काबिले सदर एहतराम हैं। ये सब इसी पेशे से वाबस्ता हैं। हुनरमंद, हम अपने कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाते हैं। जूतों की मरम्मत करवानी हो तो मोची के पास जाना पड़ता है। बाल बनवाने के लिए हजाम के पास जाना पड़ता है। इसी तरह धोबी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, भड़ाई, वेल्डर, मम्मार, मिस्त्री और बेशुमार दूसरे लोग हैं जो तरह तरह के कामों से दूसरों की खिदमत बजा लाते हैं। वो अपना रोज़गार कमाते हैं। ये सब काबिले एहतराम लोग हैं। इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो तरह तरह के काम करते हैं, जैसे अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सिस, अदालतों में वकील, माही परवरी और कानकुन वगैरह। ये सब लोग अपनी मेहनत से अपना रोज़गार कमाते हैं और दूसरों की खिदमत करते हैं। हमें इन सब का एहतराम करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 9 पेशे पढ़ा है। इस सबक में हमने बहुत से पेशों के बारे में पढ़ा है और इसके अहतमाम पर हमने ये सीखा कि हमें हर पेशे से मुंसलिक अफराद का बहुत एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम अफराद मेहनत करके अपना रोज़गार कमाते हैं, अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इसके अलावा ये हमारी हर लिहाज से खिदमत भी करते हैं। जैसा कि अगर हम अपने आप को सर से लेकर पांव तक देखें तो हमें हर एक फ़र्द की मेहनत नज़र आती है जिससे वो अपना रोज़गार कमाता है। हमें हर पेशे से मुंसलिक अफराद का एहतराम करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।